हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। आप सभी को हमारे दया साई इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एमएस वर्ड में आप सभी को लोगो डिजाइन करने के लिए सिखाएंगे कि आप एमएस वर्ड में कैसे कोई भी लोग आसानी से आप डिजाइन कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना और यहाँ से शेप पे क्लिक करना। इसमें बहुत सारे शेप है। इसमें बेसिक शेप के अंदर इस सर्किल वाले शेप पर आपको क्लिक करना है और माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक कर पेज पर आपको ड्रॉ करना है। जितने आप बड़ा रखना चाहते हैं शेप के, उतना बड़ा आप ड्रॉ कर लेंगे। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, इससे आप शेप की आकृति को आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। बीच वाले से इसकी आकृति को हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही शेप को हम सेलेक्ट करेंगे तो एक टैब खुलेगा, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब से इस शेप के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। शेप शेप स्टाइल है। इस शेप स्टाइल में जाकर इसमें बहुत सारे फॉर्मेट बने हुए हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे हम एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये शेप मेरा डिजाइन हो गया। अब आपको लिखना है टेक्स्ट को। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको फिर से इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ से आपको बर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। इसमें भी देखिए बहुत सारे हैं फॉर्मेट। इसमें से आपको एक सिंपल सा ले लेना है, बर्ड आर्ट पे क्लिक करना है और इस डायलॉग बॉक्स में आपको टेक्स्ट को टाइप करना है। जिस नाम से आप लोगो बनाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे। जैसे हम दया साई इन्फो प्राइवेट लिमिटेड हम टाइप कर लेते हैं, तो इसको भाई DA/A हमने टाइप कर लिए, दया साई इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ से इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 36 है, यहाँ से हम इसको 40 कर लेते हैं। आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप घटा भी सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है तो आपको पेज पे इस तरह से टेक्स्ट टाइप का आ जाएगा। आप इसको फॉर्मेट टाइप में ही एक ऑप्शन है टेक्स्ट टाइपिंग, इस पर क्लिक करना। यहाँ से आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना और इस टेक्स्ट को आपको आप जहाँ चाहे वहाँ ले जाके रख सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को हम ये चारों जो आपको दिखाई दे रहा चारों साइड डॉट डॉट, इससे आप शेप जो टेक्स्ट आपने टाइप किए हैं उससे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे हम इतना बड़ा कर लिए हैं इसको, आप देखिए इसको हम जैसे ही बड़ा करेंगे तो ये राउंड नहीं होगा और छोटा भी करेंगे तो राउंड नहीं होगा। तो उसको लिए आपको जाना है फॉर्मेट टाइप में ही चेंज शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से हाफ सर्किल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से ई डॉट वाले पे रख के कर्सर को आपको एक बार नीचे ड्रैग करना और इस बार ऊपर करना है। आप चारों से रख कर आप इधर उधर जहर से आपको लगे उधर से आप इसको आसानी से छोटा कर सकते हैं और ये राउंड में आपको रखना है। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ से। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए हम कर दिए यहाँ से, आप हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और हम कर लेते हैं यहाँ से इसको इस तरह से। चलिए हम यहाँ कर दिए। करने के बाद आप इसमें कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब में ही सेव फिल नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे कलर है, इसमें से कोई भी कलर आप रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक कलर ये वाले रख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें एक कलर आ गया। इसमें से कलर लेने के बाद इसमें आउटलाइन आपको हटा लेना है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा लेंगे, अगर नहीं भी हटा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम हटा देते हैं, सेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। एक टेक्स्ट हमको और टाइप कर लेते हैं, इंसर्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ से बर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको फिर से एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं शेखपुरा। शेखपुरा हमने टाइप कर लिए, यहाँ से इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैली भी कर सकते हैं और यहाँ ओके पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आपको करना टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर इसको ले आएंगे यहाँ पे और ला के इसकी आकृति आप बड़ा छोटा कर लेंगे जितना आप करना चाहते हैं। करने के बाद आप इसको राउंड में करना है, तो देखिए फिर से राउंड में नहीं हुआ, तो उसको ले आपको फिर से
चेन शेप पे क्लिक करना। चेन शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी हाफ सर्कल ला फिर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको आपको धीरे धीरे आपको इसको मूव करना है और यहाँ से लाके इसको रख देना है इस वाले राउंड में। तो देखिए आ गया, अब रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और करना है, यहाँ से इसको कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हो गया। अब इसमें कलर देते हैं, सेफली पे जाएंगे और यहाँ से इसको कलर दे देंगे। इसमें भी आउटलाइन को हम हटा लेंगे, यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक करके हटा। अब इसमें से और कोई आप शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए हम एक शेप और देते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक स्टार देते हैं। यहाँ से चलिए यहाँ पे स्टार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार पे इस तरह से हम स्टार को ड्रैग कर लेंगे और इसमें भी एक कलर देते हैं यहाँ से, और इसका भी आउटलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। और इसको आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, फिर इसको लाकर यहाँ पे रख देंगे, फिर दो गो हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया डिजाइन आपका। अब इसमें पिक्चर लगाना, तो पिक्चर लगाने के लिए फिर से जाएंगे इंसर्ट टाइप में और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करके आप पिक्चर ले लेंगे, नहीं तो क्लिप आर्ट हम पिक्चर ले लेते हैं। आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको टाइप करना है जो पिक्चर आप लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर टाइप कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर के पिक्चर आ गए, अब इसमें से कोई भी आप एक ले लेंगे। जैसे हम एक ले लेते हैं कोई भी, चलिए हम इस वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ला के रख देंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से और ला कर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसको क्या करना है, फिर से फॉर्मेट टाइप में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको बीच में ले आएंगे। अब बीच में लाकर इसको आप बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, आप जो भी डिजाइन इसको देना चाहते हैं आप यहाँ से दे देंगे। तो जैसे इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और डिजाइन देने के लिए देखिए फॉर्मेट टाइप में ही बहुत सारे डिजाइन हैं, इसमें से कोई भी एक आप ले लेंगे, जो आप लेना चाहते हैं अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। चलिए हम एक डिजाइन की तैयार कर दिए। इसके बाद नीचे भी आपको कुछ अगर लिखना है तो आप फिर से शेप में जाएंगे, कोई शेप की मदद से आप लिख सकते हैं। फिर से जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। एक सेप हम ड्रैग कर लिए और यहाँ से जो पीले वाले बटन दिखाई दे रहे हैं इससे आप इसके कृति को बड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ से कर लिए और इसको बीच में हम रख लेते हैं और इसको और छोटा हम कर लेते हैं। इसके भी अगर कोई आप कलर देना चाहते हैं तो इसको भी कलर देने के लिए फॉर्मेट टाइप है, आप इसमें से भी कोई बहुत से कलर हैं इसमें दे सकते हैं, एकाश एक कलर है, आप कोई भी एक कलर आप लगा सकते हैं। चलिए हम इस वाले कलर लगा देते हैं और इसमें से हम एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको फिर से इंसर्ट टाइप में जाना होगा और यहाँ से आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स में आपको टेक्स्ट लिख देना है, तो हम एडुकेशन लिख देते हैं, EDUCATION एडुकेशन लिख लिए। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट टाइपिंग करना होगा, यहाँ पर जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ले आएंगे ड्रैग कर। आप टेक्स्ट टाइपिंग नहीं करेंगे तो टेक्स्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं होगा, इसलिए आपको टेक्स्ट टाइपिंग करना ज़रूरी है। और यहाँ पे ला के इसको आप बड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ से हम इतना बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं। करने के बाद इसका हम एक कलर देते हैं ताकि देखने में ठीक लगे, कलर दे दिए और इसका भी हम आउटलाइन हटा लेंगे। ये आपको लोगो तैयार होगा। आप इसको ग्रुप करना तो क्या करेंगे, ग्रुप करने के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना सभी को, तो होम टाइम में जाएंगे और यहाँ से हमको सेलेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेना, इस तरह से क्लिक करेंगे और ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद आपको फॉर्मेट टाइम में ही एक ग्रुप नाम का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप, यहाँ से आप ग्रुप कर लेंगे। तो देखिए आपका पूरा ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से आपका लोगो एमएस वर्ड में डिजाइन हो गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।